आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर ये फाइबर कनेक्शन होता क्या है या फिर जियो का गीगा फाइबर कैसे काम करता है। अगर मान लो आपके शहर में जियो का गीगा फाइबर आता है और उसके यूजर्स बढ़ते हैं तो क्या उसमें स्पीड कम होगी, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर फाइबर के बिल होती क्या है। फाइबर के बिल का मतलब है एक ऐसी के बिल जिसकी हम स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर लाइट छोड़ते हैं तो वो आखिरी पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाती है। और लाइट की स्पीड आपको पता ही होगा कितनी फास्ट होती है, उतनी ही फास्ट स्पीड में इसके अंदर डेटा ट्रैवल किया जा सकता है। जैसे कि मान लो अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन यूएस से इंडिया तक भेजते हैं तो उसमें आपको 0.1 या फिर बहुत कम से टाइम लगेगा। आप एक इन्फॉर्मेशन को एक सर्वर से दूसरे देश तक काफी कम टाइम में भेज सकते हैं। ये होती है फाइबर केबल। इसकी स्पीड आपको मिलेगी लगभग 1 टेराबाइट के लगभग, यानी कि एक फाइबर केबल से काफी सारे लोग इंटरनेट को सर्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर फाइबर कनेक्शन काम कैसे करता है, जैसे मान लो आपने अपने घर पर जियो का गीगा फाइबर लगा लिया है। अब हम बात करें कि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आपने उस वीडियो देखने के लिए रिक्वेस्ट तो कर दी और वो रिक्वेस्ट मान लो YouTube के सर्वर तक पहुंच भी गई। और अब YouTube का सर्वर मान लो US में है और आपको वीडियो देखना है इंडिया में आपके शहर में, तो देखो जो रिक्वेस्ट है यानी कि सर्वर के पास जो आपकी वीडियो देखने की रिक्वेस्ट गई है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को समुद्र में जो फाइबर केबल बिछी है उन फाइबर केबल्स के जरिए आपके शहर तक पहुँचाएगा। जो समुद्र में केबल बिछाती है उस कंपनी को कहते हैं टीयर वन कंपनी। और उसके बाद जो आपके शहर तक यानी कि आपकी कंट्री तक जिसने उस फाइबर केबल को पहुंचाया है यानी टीयर वन कंपनी, टीयर वन कंपनी से दूसरी कंपनी जैसे कि जियो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये होती है टीयर टू कंपनी। ये टीयर वन कंपनी से फाइबर कनेक्शन लेती है, उसे अपनी कंट्री में डिवाइड करती है। जैसे कि मान लो जियो गीगा फाइबर टीयर वन कंपनी से इंटरनेट लेता है, उसके बाद उसे आपके शहर तक फाइबर केबल बिछाता है और आपके शहर से आगे उसे ट्रांसमिट करता है। जैसे कि मान लो फाइबर केबल आपकी बिल्डिंग तक आ रही है या फिर अगर कोई ज्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है यानी कि आपका एक घर है तो आपके घर तक फाइबर के आपको कनेक्शन दिया जाएगा जिसमें आपको काफी ज्यादा स्पीड मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि अगर जियो में यूजर्स बढ़ते हैं, जैसे कि मान लो आपके शहर तक फाइबर केबल आई उसकी स्पीड है 1 Gbps, तो मान लो 1 Gbps में अगर 10 लोग इंटरनेट चलाते हैं सबको स्पीड कम बराबर मिलेगी। जैसे कि मान लो 10 GB को 10 लोगों के बीच में बांटा जाएगा, या फिर मान लो अगर आपकी कंट्री में या फिर आपकी सिटी में यूजर्स की संख्या बढ़ती है यानी कि 1000 हो जाती है तो सबके में बराबर बराबर स्पीड बढ़ेगी, यानी कि आपको स्पीड कम होगी मगर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मान लो एक इंसान चला रहा है YouTube, एक चला रहा है Facebook, यानी कि सबने एक टाइम में एक साथ YouTube पर फुल HD वीडियो नहीं देख रहे। अगर सारे एक साथ YouTube पर 4K या फिर कोई हाई स्ट्रीमिंग डेटा देख रहे हैं तो आपको स्पीड कम मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि एक टाइम में लगभग कम ही यूजर इंटरनेट चलाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको स्पीड कम मिलेगी पर इतनी कम नहीं कि आपको इसमें फील भी नहीं होगा कि आपकी स्पीड कम हुई है, यानी कि आप थोड़ी स्पीड कम होगी मगर इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि जियो का गीगा फाइबर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, मुझे गालियां बकनी है गालियां बक दो लेकिन कमेंट जरूर करो। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।